आज लाहौर के अंदर पीडीएम का जलसा होना मकसूद था। लाहौर के गली कूचे मोहल्ले से हर जगह से लोग निकले और पंडाल की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त ये पंडाल का जो ये रैली का मंजर हम पेश कर रहे हैं, ये गुलबर्ग से रैली निकली है। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब का टिकट होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये थे और इनके साथ चेयरमैन्स और वाइस चेयरमैन्स काउंसलर्स जो थे PP159 के वो लोग निकले हैं रैली लेके। एक बहुत बड़ी रैली है जिसकी क्यादत हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब खुद कर रहे हैं और ये पंडाल की तरफ मनारे पाकिस्तान जा रहे हैं। इसी तरह से रास्ते में बहुत सारी रैलियां अटैच होती जाएंगी और एक ये जम्मे कफीर बन जाएगा और इसकी तादाद हज़ारों में होगी। और जो पंडाल है, शायद के लोगों की कुछ लोगों का कहना ये है कि ये कामयाब तरीन प्रोग्राम लाहौर का होगा। मैं कहूँगा कि ये कामयाब से भी बढ़तर होगा। ये बहुत ज़्यादा कामयाब प्रोग्राम है क्योंकि इसके लिए मुतहरिक थी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा खुद। पीडीएम की ये रैली, ये 11 जमातों ने मिल के ये जो मुश्तरका तौर पे ये जो बयानिया दिया उसमें साफ वाजिया तौर पे महंगाई के खिलाफ बात की गई और महंगाई से तमाम पाकिस्तान के लोग तंग हैं। जितनी महंगाई इन 2 सालों में हुई है इससे पहले नहीं हुई। मेडिसन्स की बात ले लें तो जो मेडिसन 60 रुपए की थी वो इस वक्त 360 रुपए की है। मतलब साल में 2 दफ़ा दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ जो कि एक गरीब बंदे की गिरफ्त से बाहर हो गया दवाइयों को ख़रीदना। इसी तरह खाने पीने की रोज़मर्रा अशिया, रोटी की कीमत 15 रुपये पे चले गए। फ्रूट, चिकन और वेजिटेबल्स जो है इनकी कीमतें 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। आटा, चीनी, ये सब अशिया ऐसी हैं जिसने आम आदमी की, आम इंसान की ज़िंदगी पे असर डाला और महंगाई की वजह से ये लोग निकले। इसमें वो लोग भी शामिल हैं, 50% वो लोग शामिल हैं जो पीटीआई जब तहरीक बनी थी पीटीआई की तहरीक का हिस्सा था, नए पाकिस्तान के लिए ख्वाहिशमंद थे ये सब नौजवान यूथ थी, ये सारी यूथ जो उनके साथ थी। वो जब 2 सालों में महंगाई पे काबू ये पा ना सकी पीटीआई की गवर्नमेंट, तो ये सब लोग इस वक्त एहतजाजन मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हैं, उनके साथ शानदा बशाना खड़े हैं ताकि महंगाई की वजह से ये लोग तंग हो गए हैं। एक सफ़ेद वाइट कॉलर बंदे की तो ज़िंदगी अजीरन हो गई है, बेरोज़गारी ने बुरा हाल कर रखा है माशरे में। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से ये ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि तमाम पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए। हाँ, बेशक इसका फ़ायदा पीडीएम को होगा क्योंकि एहतसाब का अमल शुरू है पीटीआई की तरफ से और वो इसकी वजह से चाह रहे हैं कि उस सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले ये तहरीक बन के इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जा सके। देखते हैं आगे क्या होता है, पीडीएम का ये जलसा कितनी हद तक कामयाब होता है और इसके असरात कब नज़र आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के अंदर पीडीएम के ये जलसे के इफेक्ट नज़र आएंगे और तहरीक और मुतहरिक होगी, लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोग बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से तंग हो के घरों से निकलें। लाहौर के अलावा तमाम सूबों से, चारों सूबों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 11 बाकी जमातों ने भी हिस्सा लिया। हर शहर से लोगों की बड़ी तादाद शामिल हुई। पीपी ने निकलना है और बेनतहा लोग वहाँ पे मौजूद हैं और पहला कैंप आ रहा है राना मुबशर साहब का, बीबी डेरी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे लोगों का बड़ा जोश खरोश और बहुत बड़ी तादाद है और रास्ते में मेरे ख्याल में यहाँ आते आते तो शायद हज़ारों की तादाद में लोग आ सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी तो ये तादाद है और माशाल्लाह तकरीबन 300-400 के करीब लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और ये तादाद अब बढ़ती जाएगी और जो हमने टाइम दिया होगा उसके मुताबिक लोगों की कारकुनों की आमद शुरू हो गई है। ये हज़ारों की तादाद में तो लोग इंशाल्लाह सिर्फ इस कैंप के ऊपर होंगे और लाहौर के लोग लाखों की तादाद में आज इंशाल्लाह निकलेंगे। अच्छा सर, छोटे छोटे जलसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन कर रहे हैं और उन पर बड़े बड़े पर्चे हो रहे हैं, ये क्या तमाशा हो रहा है?